कर लिया, भी पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद आफ्टर एनालिसिस के बाद फिर वहां ब्लास्टिंग होता है। जैसे हमने ये फोर्थ बेंच है, जैसे हम आपको दिखा होगा काफी मग पड़ा हुआ, ऊपर ही मग पड़ा हुआ है। तो अब इस मटेरियल को हम ये ट्रक लोडिंग से हम हॉपर में भेजते हैं। अब यही सबसे मेन खेल चालू होता है क्वालिटी का, जो जियोलॉजिस्ट का रोल होता है। तो यहाँ पे हमको क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे वो जैसा हमको बोलेंगे कि ये क्वालिटी चाहिए ऐसा है, तो हम उसको बता देंगे इस बेंच से इस लोकेशन से उठाओ, ठीक है। और भी अगर क्वालिटी बहुत हाई है, डाउन करना है, तो हमको मालूम है कि एनजीओ ज्यादा है, बट हमको एनजीओ को भी मतलब वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो हमने जहाँ बताया फिर वैसा ही क्वालिटी आता है प्लांट में। तो इसी हिसाब से यहाँ की माइनिंग होती है पिट की। ये जितना मटेरियल है, ये हॉपर से टिपर से प्लांट चला गया, वहाँ स्टैकर लगे हुए हैं 25-25 यहाँ पे, 2 स्टैकर है, वहाँ स्टॉक होता है। तो वहाँ पे भी सेम है कि एकदम बराबर में मतलब डंप किया जाता है, जैसे क्वालिटी डिफर ना हो, क्योंकि तो एक ही जगह सारा हम डंप कर देंगे तो उसमें क्या होता है, स्टैकर लगा तो मूव करता है धीरे 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 कर, मटेरियल गिराते रहता है, तो एकदम होमोजीनियस बनता है वो। वहाँ भी सैंपल लिया जाता है, वहाँ 2-2 घंटे में लिया जाता है। तो ये पहले हमारे बोरहोल के एनालिसिस है, फिर ब्लास्ट ऑफ सैंपल के एनालिसिस है, फिर यहाँ से गया सीबीए में लगा हुआ हमारा मिलर के एनालिसिस है। उसके बाद जब वो हमारा स्टॉक किया हमने स्टैकर में जाके, वहाँ फिर हमारा, तो ये सब क्या सीमेंट फॉर्मेशन के लिए। तो जो क्वालिटी चाहिए इतना प्रोसेस के बाद फिर सीमेंट प्लांट का चाल वहां पे उनका वर्क चालू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद उनका सीमेंट मिल जाए, रॉ मिल है, सीमेंट प्लांट है, अलग अलग वहाँ बना हुआ है सब। तो फिर लास्ट प्रोडक्ट जो होता है सीमेंट बनता है। सीमेंट भी 4-5 तरह के होते हैं, वो मतलब एरिया के हिसाब से रहता है कि किस एरिया में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इसमें माइंस में जैसे कि हम हर माइंस में अभी एमसीडीआर के हिसाब से जियोलॉजिस्ट और माइनिंग इंजीनियर को रखना कंपलसरी है। 2017 अभी 2021 में अमेंडमेंट भी हो गया है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। यहाँ हमारे पास 3 लीज है, हम 3 जियोलॉजिस्ट हैं। 3 नवंबर 2021 को अमेंडमेंट हुआ है, अगर जियोलॉजिस्ट या माइनिंग इंजीनियर नहीं रखोगे 5 लाख का पेनल्टी गवर्नमेंट ने लगा दिया है। अभी तक किसी पे लगा नहीं है, लेकिन लगेगा पेनल्टी रखना। उसके अलावा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबके माइंस में एक इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, और माइनिंग में मेट फोरमैन वगैरह जो डीजीएमएस के रूल्स के हिसाब से है। तो ये जो पूरी टीम बनती है तब जाके माइंस चलती है, नहीं तो माइंस तो कोई भी चला ले फिर, है ना। सेफ्टी डीजीएमएस देखती है, और जो एग्जीक्यूट कराना उसको आईबीएम कराती है। आईबीएम के हिसाब से माइनिंग प्लान पास होता है और हम सबसे माइनिंग करते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया, नाउ पूछना है इसमें यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी इफ एनी डाउट। एनी रिलेटेड टू माइनिंग और फाइनेंस जस्ट और जियोलॉजी एनीथिंग और जियोलॉजी, यू नो। देखिए ये ML2 है, 9 ब्लॉक्स में डिवाइड है, ठीक है। ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ऐसे करके डिवाइड है, और ब्लॉक 4 सराउंडिंग है, ठीक है। ये ब्लॉक 5 है, यहाँ ब्लॉक 8 है, यहाँ 9 है, ऐसा ये 9 है, ऐसे 9 ब्लॉक्स है। हाँ, ये क्या होता है कि मतलब लीज हम जैसा चाहते वैसा हमको मिलता नहीं है, गवर्नमेंट पर जैसे अवेलेबल होता है लैंड उस तरह से। इसका देखिए लीज पूरा बिगड़ गया है, मतलब ये एक साथ में मिल सकता था, बट क्या होता है जो प्रोसेस है लेने का, अभी तो ऑक्शन रूल आ गया है। 2015 के पहले ऑक्शन रूल नहीं था, RPPL ML एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू माइनिंग लीज मिलता था। बट अब क्या है, आफ्टर एक्सप्लोरेशन वो ऑक्शन में जा रहा है, गवर्नमेंट में ऑक्शन में आप बोली लगाओ और लीज ले लो, जितनी ज्यादा बोली लगा सकते हो, अब ऐसा सिस्टम आ गया 2015 के बाद से। तो इसी कारण क्या है, पुराने रीजन के कारण ये सारे 9 ब्लॉक में बढ़ गए माइनिंग में। और क्या होता है कि हम माइनिंग कहीं चालू करते हैं, हम डायरेक्ट चालू नहीं कर सकते, हमको 7.5 मीटर सेफ्टी जोन छोड़ना पड़ता है। जो हमारा लीज है वहां से 7.5 मीटर लीज हमको सेफ्टी जोन छोड़ना पड़ता है, वहां हमको प्लांटेशन करना पड़ता है, वहां पे मिट्टी प्लान बना के उस पर पेड़ पौधे लगा के प्लांटेशन करना पड़ता है। तो सारे जो जैसे ML1 है, इसके सारे से हम प्लांटेशन कर रहे हैं, और वहां मतलब डंप करके प्लांटेशन कर रहे हैं। अब ये माइंस हम चलाएंगे कल की डेट में, जैसे 50 इयर्स माइंस की लाइफ है, 60 इयर्स लाइफ है, अभी है वो ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि हम फर्दर डेप्थ जाएंगे। अभी क्या है, लाइमस्टोन में बहुत ज्यादा डेप्थ हम जा नहीं रहे, अभी जरूरत नहीं है, और ये माइंस नया भी है। फ्यूचर में जब ये एग्जॉस्ट हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, तो उसका भी रूल्स होता है। उस कंडीशन में या तो इसको आप फील कर दो, या तो कुछ टूरिस्ट स्पॉट बना दो, पानी भर के मछली पालन जो भी है कुछ कर दो, तो वो एक प्रोसेस होता है। तो माइंड क्लोजर प्लान लगता है लास्ट में।
लास्ट में एंड ऑफ द लाइफ जो होता है माइंस का, माइन क्लोजर प्लान लगता है, तो उस सिस्टम से ही माइंस को क्लोज किया जाता है जब सब खत्म हो जाता है। और बताइए, और कुछ पूछना है? माइनिंग वाले ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ जो बेंच की हाइट है 9 मीटर है, ठीक है। देखिए हम ऊपर से आएंगे तो 9 मीटर का बेंच आता है। हाँ, 9 मीटर मतलब डीजीएमएस का कुछ रूल्स है, कई जगह 10 मीटर भी है, कई जगह 12 मीटर भी है। हो रहा है तो 10 में चेंज करना सही। हाँ, बहुत ज्यादा इंटरचेंज हो रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस और क्वालिटी के हिसाब से हम बेंच ऊपर स्टैंडर्ड है ना, इससे ऊपर ऐसा है। और आगे आप जाएंगे वो फिफ्थ बेंच, इसको हम ब्लास्ट करेंगे तो फिफ्थ बेंच ओपन हो जाएगा। रिंग्स आप आ रहे क्या आवाज? हाँ चालू है ना। देखिए हमको लीज जो है ना एमएल 2 ब्लॉक में मिला है और बी ब्लॉक हमको 2 ब्लॉक में मिला है। ये इस ब्लॉक का एरिया जो है 200 हेक्टेयर है, इस ब्लॉक का एरिया 67 हेक्टेयर है। तो गवर्नमेंट हमको लीज जैसे भी दे सकती है गवर्नमेंट, हो सकता है एक साथ हो, हो सकता है 2 टुकड़ों में हो, जैसे हमारा ML2 9 ब्लॉक में मिला है हमको, ठीक है। तो लीज एक ही लीज को कई पार्ट में सरकार दे सकती है। यहाँ पे एक तो छोटा सा है ये दिख रहा है, ये छोटा सा फील्ड सेमरिया लाइमस्टोन माइंस है, ML3 बोल सकते हैं। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो 3 लीज है, ठीक है, ML1 ML2 और सेमरिया जो माइंस है। और पूछिए कुछ सर, ये वेजिटेशन करना जरूरी है? वेजिटेशन करना बहुत जरूरी है। देखिए आप चाहे प्लांटेशन ना रहे, आपने जैसी माइनिंग स्टार्ट किया, जो हमारा माइनिंग प्लान बनता है उसमें क्लियरली हमको, हमने जिस जगह को काटा है हमको उस एरिया का हमको प्लांटेशन करना रहता है, उस एरिया का। जैसे कि 1000 प्लांटेशन करना है तो हमको 1 हेक्टेयर चाहिए। हम यहाँ 1 हेक्टेयर में हर साल प्लांटेशन करते हैं हर साल। तो हाँ, फिर आप अगर कहीं पेड़ काटोगे भी, अब ऑब्वियसली ये वर्जिन एरिया में बहुत पेड़ पौधे रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, बट रूल्स के हिसाब से आपको प्लांटेशन करना ही है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर वायलेशन आएगा, बिल्कुल काउंट भी होता है। और बहुत सारे जो वर्क है वो CSR में भी आते हैं। जब कोई माइंस ओपन होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज मतलब कोई भी इंडस्ट्री आती है, जैसे माइंस आ गई तो माइंस को आसपास के 1-2 गांव को भी गोद लेना पड़ता है, उनकी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। जैसे गांव से कोई डिमांड करते हैं हमको फुलफिल करना पड़ता है, अदरवाइज लोकल्स का तो फिर लॉस है ना। गाँव के पास माइंस आ गई तो उनको क्या बेनिफिट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी देना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें CSR में है, इसमें CSR एक्टिविटीज हमको करना है। तो उसी तहत क्या है, प्लांटेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्लांटेशन हम ठीक से नहीं करेंगे तो उसका वायलेशन बहुत तगड़ा रहता है। और अब पहले जैसे नहीं है, गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है, अब हर चीज में मतलब जवाब देना है। ऐसा है, DGMS अपना अपना अलग देख रही है, IBM अपना अलग देख रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना रॉयल्टी का देखती है वो अलग देख रही है, ठीक है। हमने जैसे बोल दिया कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे तो जब डिस्पैच उसमें रॉयल्टी 80 रुपये पर टन हमको डिस्पैच इसमें रॉयल्टी पे करना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को। अगर हम डिस्पैच नहीं कर रहे, माइंस खोल के रखे और हम प्रोडक्शन कुछ नहीं कर रहे, तो स्टेट गवर्नमेंट भी पूछेगी हम सब क्यों नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे तो प्लीज हम आपसे ले लेंगे। तो एकदम से पहले जैसा नहीं है कि हम चुपचाप खोल के दुकान उकान अपन चला रहे, ऐसा नहीं है। आपने लिया है लीज, आपको माइनिंग करना पड़ेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, सारी चीजें फिक्स है इसमें। सिर्फ प्रोडक्शन आउटपुट पे डिपेंड करता होगा। देखिए प्रोडक्शन आउटपुट जो है ना, वो हमारा जो बताया ना प्लान बनता है, प्लांट के रिक्वायरमेंट होता है। हमने माइनिंग प्लान में जैसे हमारा इस यहाँ का है 3.2 मिलियन टन का है, बट हम 25-26-27 मतलब 2.5-2.7 मिलियन टन हमने लास्ट ईयर किया, 2.5 किया हमने।
3.2 मिलियन टन करना उसको पार नहीं कर सकते अपन। सारा जो डिस्पैच होता है ऑनलाइन खनिज ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होता है, हम उससे थोड़ा भी आगे नहीं बढ़े अपने आप हमारा डिस्पैच रुक जाएगा। ऑनलाइन लेगा सिस्टम ही नहीं लेगा। जितनी गाड़ियां यहाँ से डिस्पैच होती है सबका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, चाहे गाड़ी है उसके ड्राइवर सबका हो चुका है, और उसमें जितना हम लोड करेंगे उस हिसाब से हमको एडवांस रॉयल्टी पे करना पड़ता है। पहले क्या होता था वैसा सिस्टम नहीं था, अभी क्या है कि हमको सामान चाहिए तो हम पहले पे करेंगे, ऑनलाइन पे होता है फिर उससे माइनस होता रहता है, ठीक है, कम हो गया तो सीधा जैसे अमाउंट का खत्म हो गया तो डिस्पैच रुक जाएगा हमारा। तो अब थोड़ा सा सिस्टम वो डिजिटल इंडिया के तहत थोड़ा सा ये चीजें काफी चेंज हुई है। देखिए आप प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते हो, डिस्पैच नहीं कर सकते। आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया है ठीक है, माइनिंग प्लान में सिर्फ प्रोडक्शन लिखा होता है लेकिन डिस्पैच लिखा हुआ नहीं होता, तो आप सेफ हो। अगर 3.2 जैसे हमको करना है, 32 लाख टन का हमको प्रोडक्शन करना है ठीक है, हमने 35 लाख टन कर दिया बट डिस्पैच हम 32 लाख का कर सकते हैं, 3.2 को क्रॉस एक्चुअली सिस्टम लेगा नहीं उसको, वो हमारे हाथ में नहीं है। खनिज ऑनलाइन से हमारे माउस में हम बटन ही नहीं दबा सकते वहाँ पे। ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है, हमको करना क्या है, हमारा स्टॉक्स है, स्टॉक हम स्टॉक करके रखेंगे, अभी भी काफी स्टॉक है हमारे पास, ऐसा नहीं है स्टॉक करके रख सकते। लेकिन आप माइंस गेट से अगर आपका निकल गया लाइमस्टोन तो हमको गवर्नमेंट को रॉयल्टी देना पड़ता है, नहीं निकला तो नहीं देना पड़ता है। तो जो रॉयल्टी देना पड़ता है वही ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है, गाड़ी जैसी निकलेगी वो पहले रॉयल्टी माइनस होकर निकलती है। ऑनलाइन आप जैसे जाएंगे ना गेट के वहां पे हमारा जो वे ब्रिज लगा हुआ है ठीक है, तो वहां पे जो वे ब्रिज में जो सिस्टम लगा हुआ है खनिज ऑनलाइन पोर्टल है उसमें, तो वहीं से माइनस होते गाड़ियां निकलती है, माइनस होकर निकलती है, उनका ऑनलाइन पर्ची होती है जो ऑनलाइन सबमिट होता है सब। ये सेम प्रोसेस है स्टेट को, जैसे सीएमडीसी की माइंस चल रही है आज की डेट, ये बॉक्साइट की चल रही है छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, उनका भी सेम प्रोसेस है बट उनके में क्या होता है अधिकतर वो आउटसोर्स कर देते हैं। बट अभी ऐसी कंडीशन आई है कि उनको भी वायलेशन आया, वो भी जियोलॉजिस्ट हायर किए अभी रिसेंटली हायर किए, क्या रूल्स आपको करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। हाँ ये कर सकते, छोटी छोटी बहुत सारी माइंस है तो हमने एक को ले लिया, बाकी मैक्सिमम चीजें वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल है, बट यहाँ पे क्या सब वैसा हो नहीं पाता है, यहाँ सारे रेगुलर है यहाँ पे। और कुछ पूछना है आप लोग को? सर ये जो प्रोडक्ट है जैसे लाइमस्टोन, तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग कितने लेवल्स पे होती है? देखिए क्वालिटी टेस्टिंग जो है एक तो वो एक्सरे से होती है, दूसरा केमिकल होती है, हम केमिकल को ज्यादा अच्छा मानते हैं, केमिकल थोड़ा टाइम लेता है ठीक है। और उसकी टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो तो और एक प्रोसेस है, तीन प्रोसेस है, वो लैब वाले अलग से करते हैं। तो उसमें हमको जो लैब में जरूरत पड़ता है जैसे कि सीमेंट ग्रेड जो है 42 प्लस है ठीक है, और MgO जो है वो 3 आने से भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, LSF 120 122 समथिंग, मतलब बेस्ट सीमेंट बनेगा। तो अभी आपको मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि कोई भी कंपनी सीमेंट जो बनाती है तो आपको उसका डिपोजिशन देखना है, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर ज़्यादा हाई एम जो जाएगा तो क्वालिटी आपका सीमेंट खराब होगा। तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ का सीमेंट, सब जगह प्रोसेस 19-20 का ही फर्क है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है, और सारे ISO के नॉर्म्स फॉलो करते हैं। तो ये जैसे ये माइंस बहुत अच्छा है, ये एकदम होमोजीनियस डिपॉजिट है, आप कहीं से भी ब्लास्टिंग करो आपको अच्छी क्वालिटी का लाइमस्टोन मिलेगा यहाँ पे। हाँ अभी जहाँ खड़े यहाँ थोड़ा डाउन मिलेगा, डेप्थ में जा रहे तो MgO बढ़ जा रहा है। रॉक लाइमस्टोन इज रॉक, formed by the chemical precipitation. Yes, towards this. माइनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, अच्छा सर को आगे आने दो। सर आप ही दीजिए, लिफ्ट कर दीजिए फोटो। तो फोटो खिंचा ही नहीं रहा सर, मीटिंग ऑफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, खिंचा ही नहीं, खींच इसको लेफ्ट कर दीजिए।
मैनेजर को नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो माइंस मैनेजर से उनको रिजाइन करके जाना पड़ता है। तो इट्स एसेंशियल टू फॉलो सेफ्टी रूल बिकॉज़ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी नहीं रहेगी तो जान माल का क्या होगा, खतरा होगा। तो वो एक्सीडेंट तो इसका बहुत बड़ा कॉमन चीज है, वो होता ही है माइंस में, तो वो उसको इंश्योर करते हैं कि ना हो, है ना। क्वेश्चन रिलेटेड टू माइनिंग जियोलॉजी, यू नो वेयर आर द बेंचेस, ओके हाउ मेनी बेंचेस इन व्हिच बेंचेस वी आर स्टैंडिंग हियर, सर वी कैन आस्क, हां यस, हाउ यू आइडेंटिफाई रीजन इज अ रिटन मेंबर जियोलॉजिकल हमारा जो इंडिया का मैप था, जियोलॉजिकल मैप में क्या होता है कि हर रॉक्स की अलग अलग एज होती है, हर मिनरल अलग अलग रॉक्स में मिलता है। आप अगर यहाँ बोलेंगे कि बेस मेटल मिले तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बेसिन है, यहाँ एक सेडिमेंटरी डिपॉजिट हुआ है, बहुत मुश्किल है। तो जियोलॉजिकल जो जैसे कड़प्पा वगैरह हो गया, लाइमस्टोन का छत्तीसगढ़ बेसिन हो गया, तो क्या ये सब क्या होता है कि लाइमस्टोन का डिपॉजिट हुआ इसमें। तो इसी हिसाब से जैसे अरावली है वो काफी पिटामियन रॉक, उसी हिसाब से जियोलॉजिकल प्लान हमारा पहले बन जाता है, उसके बाद एक्सप्लोरेशन होता है वहाँ पे माइनिंग पर्पस से। पहले हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, जैसे पहले समय रिकनेंस परमिट होता था, आरपी होता था, फिर पीएल होता था, प्रोसेस होता था, बहुत बड़े एरिया को लेके आरपी को पीएल किया जाता था, फिर पीएल को, फिर मतलब एमएल में लीज के लिए अप्लाई किया जाता था। एक प्रोसेस है डिपॉजिट लेने का, तो काफी लेंथी प्रोसेस है। अभी ऑप्शन रूल आ गया है, मैक्सिमम एक्सप्लोर हो चुका है, और जहाँ नहीं हुआ है गवर्नमेंट उसको एक्सप्लोरेशन करके ऑप्शन में ला रही है। तो ये मतलब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी फाइंड आउट कि हियर वी हैव सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, मतलब इसके पीछे बहुत सालों का जीएसआई का वर्क है, डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग का वर्क है, एंड दे आइडेंटिफाई कि दिस एरिया इज गुड फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, है ना। जीएसआई वर्क इन दिस एरिया में उन्होंने पहले से मार्क करके रखा था, एंड फर्दर फिर क्या कि स्टडी किया गया और प्लस रोलर डीजीएम आल्सो डायरेक्टर ऑफ जियोलॉजी में, उसके बाद ये एस्टैब्लिश हुआ। एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट साइड? ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन नाउ? वी हैव टू गो बैक ऑन, ठीक है, सुनो कोई भी अगर बाहर नहीं, यहीं पे रहो, कोई नहीं आएगा, इधर ही रहो। हेलो, तो इट्स अ ओपन कास्ट माइनिंग, ओपन कास्ट लाइनिंग, लाइमस्टोन माइनिंग, एंड दिस इज यूजफुल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। एंड हाउ लाइमस्टोन फॉर्म, वी नो इट्स अ सेडिमेंटरी रॉक, दिस फॉर्म बाय द केमिकल प्रेसिपिटेशन, इट्स अ सेडिमेंटरी नॉन क्लास्टिक रॉक। देखो ये रोल जीएसआई करता है। We finally we conclude it. If any question is there from online participant, they may ask question now. What? We are well used. That is not functional now, but in future they may. हम लोग यहाँ पे JK Lakshmi के साथ हैं। This is a private organization. And this location is situated in the Chhattisgarh region, and towards that Ahiwara, and this is a field for limestone. So along with all the participants, we came here in a very short notice, and we met with the directorate of that one who established that whole organization. बीएल भाटी सर ने हमें काफी कुछ यहाँ पे गाइड किया, और बोस शंभूपाल सर ये फील्ड के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं, और काफी कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला यहाँ पे, और हम लोग काफी क्यूरियस है कि ये चीजें ऐसी जो हमें विजुलाइज हो रही है उसके पीछे बेस क्या है। If shown, he already has. So you can ask if any question is there. Sorry. Okay, sir. Sir, if the point down, I am going to do it, na.
Any concluding remarks? Actually, we have, you know, around how many participants? 10 participants are there. Online students. Yes. So any concluding remark you can give? Concluding remark. Remark, yes. Regarding mining. और स्कोप मतलब जो है ना मैनेजर इन जियोलॉजी पार्टी सरकार है चलो चलो बोल रहे हैं सर वी आर कमिंग ओके तो वी आर कंक्लूडिंग नाउ सर आ रहे सर वहीं से जी सर जी डिप्टी मैनेजर जियोलॉजी मैं शंभू पांड डिप्टी मैनेजर जियोलॉजी एकलव्य सीमेंट लिमिटेड में एनआईटी रायपुर से आप लोग सभी आए जियोलॉजी माइनिंग आईटी वाले आप लोग का जो लर्निंग काफी अच्छा रहा मुझे बताने में बहुत खुशी हुई क्योंकि वैसे तो माइनिंग जियोलॉजी जो फील्ड है वो काफी वास्ट है जैसे आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैसे पता चला क्या है क्योंकि ये स्टेज आने में काफी टाइम लगता है कोई भी एक्सप्लोरेशन करते हैं तो इनिशियल वर्क एक जियोलॉजिस्ट का होता है और वो काफी साल उसमें वर्क करता है तब जाके कहीं माइंस आता है जैसे ये माइंस लीज हमको 94 में मिला प्रोडक्शन 2015 में चालू हुआ और 2044 तक का लीज है 50 इयर्स का तो क्या है काफी 20-21 साल निकल गए इसको करने में तो चीजें बहुत सारी है शॉर्ट में जितना आपको बता पाया कि हमको जो लीज मिलता है बेसिक मतलब डिपॉजिट मिलता है जियोलॉजिकली फिर उसके बाद डिपॉजिट से ब्लास्टिंग के बाद मटेरियल हमारा प्लांट जाता है जो प्रोसेस है क्वालिटी को लेके क्वालिटी कंट्रोल को लेके और आप लोग का जो जिज्ञासा था बहुत ही अच्छा था थैंक यू फॉर एवरीथिंग थैंक यू वी आर कंक्लूडिंग नाउ दिस सेशन थैंक यू मैडम You can lead the meet. Hey, hello. Everyone. Hello.